कह रहा हूँ तू छोटा हो जाएगा। एहसन इकबाल साहब आप इधर आए, यूसुफ रजा गिलानी साहब आप इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। एम आप सबको प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप? खैरियत से हो? फैसले तो हुए, फैसले तो सारे हुए। पहले आप फॉर्मली शुरू करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज मरियम शरीफ साहिबा के पास यहाँ रायबंद आए हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जॉइंट कैंडिडेट है इस्लामाबाद के सेनेट इलेक्शंस के लिए। हमने बड़ा तफसील से जो हमारे सेनेट इलेक्शंस है उस पर डिस्कशंस किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का कैंपेन बहुत ही अच्छा चल रहा है। इंशाल्लाह ताला सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो सियासी जमातें हैं हम मिलके मेहनत कर रहे हैं। इलेक्शंस ने, बाय इलेक्शंस ने साबित कर लिया है कि मुल्क के अवाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है और इंशाल्लाह ताला गिलानी साहब की जीत के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सेनेट इलेक्शंस में जीत के साथ ये भी साबित होगा कि अवाम पीडीएम के साथ है और पार्लियामान भी पीडीएम के साथ है। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, पूरा मुस्लिम लीग नून के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एतमाद दिखाया, ट्रस्ट दिखाया हमारा यूसुफ रजा गिलानी साहब में, जो कि इस मुल्क का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहा है, जिसने अपना लीडर ऑफ द हाउस का रोल को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अदा किया था, उस ओहदा को रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया था। और ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एमएनएज हैं मगर हमारे ऑपोजिशन के जो एमएनएज थे, हमारे इत्तेहादियों के जो एमएनएज थे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे अपने दौर में। और अब कमाल ये है कि इस कठपुतली के दौर में भी सेनेट का उम्मीदवार बन के हुकूमत के जो आज के एमएनएज हैं और इत्तेहादी हैं उनको भी अपना हुकूमत से रिस्पेक्ट दिलवाया है, जो हम समझते हैं जमहूरियत का और पीडीएम का एक किस्म की जीत हो चुकी है। और हम सब नज़रें 3 मार्च को है। आप सबका शुक्रिया। उससे पहले ये भी ऐड कर लें कि अभी जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के अंदर आपकी क्या बातें हुई हैं और क्या लॉन्ग मार्च भी इसके अंदर सेनेट की तो बात हो गई, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत हुई है, उन्होंने मनाया कि नहीं मनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाए, खाना खाया, अच्छी बातें हुई हमारी। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो पीडीएम के कैंडिडेट हैं और ना सिर्फ ये कि वो पीडीएम के कैंडिडेट हैं, मुस्लिम लीग नून एक बहुत ये एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, एज़ अ पर्सन बहुत एक एफेबल पर्सनैलिटी हैं, सब जमहूरियत पसंद इनको पसंद भी करते हैं और ये हमारे मुश्तरका कैंडिडेट हैं। पीएमएलएन इनको इस इलेक्शन में सपोर्ट कर रही है क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ ये यूसुफ रजा गिलानी साहब की सपोर्ट नहीं है, ये इलेक्शन एक डिवाइड है उन लोगों के लिए जो आवाम के साथ खड़े हैं और उन लोगों के लिए
जो इस हकूमत के ज़रिए अवाम के ऊपर एक कहर बन के टूटे हैं, महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, अवाम के लिए मुश्किलात के ज़िम्मेदार हैं, उनका रोज़गार, उनका आटा, उनकी चीनी, उनकी बिजली, उनकी गैस चोरी करने के ज़िम्मेदार हैं, और जो राइट साइड ऑफ अवाम पे इस वक्त खड़े हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके उम्मीदवार हैं। और मुझे उम्मीद है कि हर जमहूरियत पसंद, हर वो इंसान, चाहे उसका जमात ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से हो या किसी भी जमात से हो, वो तहरीक इंसाफ को वोट इस वक्त नहीं देगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो अवाम की मुजरिम जमात है। इमरान ख़ान अवाम का मुजरिम है, अवाम की मुश्किलात का बायस है। 3 साल में जो अवाम के ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी गई और रोज़ महंगाई की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में, मिस गवर्नेंस की सूरत में उनके ऊपर जो रोज़ क़यामत टूटती है, वो अवाम का मुजरिम है। और मैं ये भी समझती हूँ कि इस वक्त उनकी जो एक सपोर्ट है वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उनकी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत हर सूबे में हो चुकी है। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक लाइन है जिसके इस तरफ जमहूरियत पसंद खड़े हैं और दूसरी तरफ अवाम के मुजरिम खड़े हैं। अच्छा, मतलब ये है कि हर इलेक्शन में अनसीन कुव्वतें सरगर्म होती हैं, ये जॉइंट सवाल है, क्या अब तक कुव्वतें सरगर्म हुई हैं? आपके लोगों को कुछ प्रेशराइज या कुछ उनकी वीडियोज की धमकियाँ या कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं या अभी तक न्यूट्रल हैं वो लोग? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल भी मैंने इसी बात का जवाब दिया था, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ना होनी चाहिए एक जमहूरी मुल्क में कि उसमें गैर सियासी कुव्वतें या इस्टेब्लिशमेंट वो किसी खेल का हिस्सा नहीं है। ये न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ तब बनती है जब वो खेल का हिस्सा बनते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर वो नहीं शामिल तो उनको शामिल होना भी नहीं चाहिए, उनको अपने आइनी किरदार तक महदूद होना चाहिए। ये उनके लिए भी अच्छा है, हमारे इदारे के लिए भी अच्छा है और जमहूरियत के लिए भी अच्छा है। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि जब पीडीएम बनी थी, जब पीडीएम बनी थी जिमनी इलेक्शन में, जो सिंध में आपको कामयाबी हुई और पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में जिमनी इलेक्शन में बहुत अशिक्त हुई हुकूमत को, किसे किस नज़र से देखते हैं? उनके अपनी होम ग्राउंड में सबक प्रेस करने के हल्के से भी सीट इलेक्शन की हार गई, क्या कहें? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। मुल्क के हर कोने से कि पख्तूनख्वा से ले के बलोचिस्तान की पेशीन तक हुकूमत ने इन बाय इलेक्शंस में बुरी तरह शिकस्त का सामना किया है, वो बुरी तरह हारे हैं। अवाम ने उन सिलेक्टेड को हर बाय इलेक्शन में रिजेक्ट किया है, मुस्तरद कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ये दो फैसले कि हम हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करेंगे, बाय इलेक्शंस में भी चैलेंज करेंगे और सेनेट में भी मिलके चैलेंज करेंगे, ये फैसले ने अब पूरा सियासी सिचुएशन तब्दील कर दिया है। हुकूमत का घबराहट, बुखलात, सब कुछ पूरा पाकिस्तान के सामने है, वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब भी होंगे, हम इन नालायक, ना जायज़, ना अहल हुकुमरान जो इस मुल्क के आम आदमी के लिए बोझ बना हुआ है, जिन्होंने इस मुल्क के अवाम को तारीखी बेरोज़गारी, तारीखी गुरबत में धकेल दिया है, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलके जमहूरियत को बहाल करेंगे, एक ऐसा अवामी हुकूमत बहाल करेंगे जो अवाम की खिदमत करे और उनके लिए इस हुकूमत की तरह मसाइल ना पैदा करे। जैसा कि जब आपने बात की थी मैडम, जब आप जब पीडीएम बनी तो बिलावल आप और मौलाना साद थे, आपने कहा था 5 साल पूरे करने नहीं देंगे इस हुकूमत को, तो अब आगे लॉन्ग मार्च भी है, क्या 5 साल पूरे करने देंगे इस हुकूमत को या घर भेजिए कामयाब हो जाएंगे? हम समझते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो असूल है, जो मकसद है, जो एम है, वो बहुत ही ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करें और हर अदारा अपना अपना आइनी और जमहूरी किरदार अपनाएं। ये हमारा लॉन्ग टर्म जिद्दोजहद है, किसी एक गेम से ये कामयाबी हमें फौरन नहीं मिलेगी, हमें मुसलसल इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा शॉर्ट टर्म इमीडिएट एम है इस वक्त, जो हर पाकिस्तानी के लिए मुसीबत बना हुआ है, वो ये कपुतली है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे जमातों मिलके इस
का पुतली को भी घर भेज देंगे और पाकिस्तान में इंशाल्लाह जमहूरियत का बहाली कर। किसी और का नुमाइंदा है, कहीं सिफारिश से आया, तो जब आपकी हुकूमत में ये हफीज शेख को वजीर खजाना बनाएगा तो उस वक्त कोई प्रेशर था पीपल्स पार्टी पर? मैं हफीज शेख कोई प्रेशर नहीं था हफीज शेख को ना अब बनाया हमारे दौर में बनाने के लिए और इमरान खान के दौर में बनाने के लिए, तो उनसे ही पूछ ले। लेकिन जो मैंने कल कहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हफीज शेख साहब का और गिलानी साहब का जो मुकाबला है वो हर हमारा वोटर के लिए ये अब स्टार्क चॉइस है, हर मेंबरान पार्लियामान के लिए ये इम्तिहान है। इनको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि जब वो इलेक्शंस में जाते हैं उनके हर कॉन्स्टिट्यूएंट हर मेंबरान असेंबली से पूछेगा कि क्या आपने PTIMF के उम्मीदवार को वोट दिया है क्या या आपने अवाम के उम्मीदवार को वोट दिया है। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि मेंबरान पार्लियामान अपने अवाम के उम्मीदों के मुताबिक वोट देंगे, वो बार बार इन टेक्नोक्रेट्स को और PTIMF के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। एक सेकेंड, अगर मरियम नवाज बाहर जाने को राजी होती तो मरियम नवाज के खिलाफ एक और झूठा नैब का मुकदमा खोलने की जरूरत पेश ना आती। ठीक है, क्या आप लोगों की आज की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ है कि सेनेट इलेक्शन के बाद आप लोग वजीर आजम या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीके अतमाद लेकर रहेंगे या गिलानी साहब का इलेक्शन का फैसला करेगा कि तरीके अतमाद लाइए एतमाद में लिए? हम नहीं समझते हैं कि हम अदम एतमाद के खेल इस वक्त खेल रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। सेनेट इलेक्शन और अदम एतमाद में बहुत ही फ़र्क है। जहाँ तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात है, हमारे फैसले आपके सामने हैं, हमने मिलके फैसले लिए कि हम बाई इलेक्शंस लड़ेंगे, हमने मिलके फैसले लिए कि हम सेनेट में मुकाबला करेंगे, हमने मिलके फैसला लिया है लिए कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम मिलके भी फैसला लेंगे कि कैसे इस हुकूमत को हटाना है, कहां से हटाना है और कहां कहां से अदम एतमाद करना है, कहां से। देखिए, मैं इसके ऊपर अपना मौकफ बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ और हर जमहूरियत पसंद जमात का इसके ऊपर यही मौकफ है कि इसका अगर फैसला करना है, क्योंकि ये आईन पाकिस्तान है, इसके अंदर अगर कोई भी तरमीम आपको लानी है और जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वही ECP ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, मैं उसको दोबारा दोहरा देती हूँ कि वो पार्लियामेंट का काम है, वो किसी कोर्ट का काम नहीं है। इसमें कोर्ट को ड्रैग करना अपने फ़ायदे के लिए, ये कोर्ट को दागदार करने वाली बात है, ये इससे इज्तनाब किया जाना चाहिए। और अगर ये तरमीम लानी है तो ये इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट के ज़रिए आएगी, आवाम के नुमाइंदों के ज़रिए आएगी और कंसेंसस के साथ आएगी। इस जाली हुकूमत में हम इनके साथ बैठेंगे नहीं। सॉरी, ऑब्वियसली हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल असेंबली है और हम हर मेंबर से अप्रोच कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 3 मार्च को आपको सब नज़र आएगा कि कौन किसके साथ। वो मुंतखब हुकूमत के खिलाफ मैं सियासी लश्कर लेके हमलावर हो रहा हूँ। आई थिंक आपका डिस्क्रिप्शन से मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा
صرف اور صرف جمہوری انداز میں اپوزیشن کیا ہے، آج بھی ہم صرف اور صرف جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، اور احتجاج بھی جمہوریت کے ہی ایک ہتھیار ہے کہ آپ پرامن احتجاج آپ کا جمہوری حق ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی آپ کا حق ہے۔ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جائز حکومتوں کو اپنا ٹرم بھی پورا کرنا چاہیے، پارلیمان بھی اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے۔ اس وقت جو جس نظام کا ہم مقابلہ کر رہا ہے وہ سلیکٹڈ نظام ہے جو مسلط کیا گیا ہے اس عوام ملک کے عوام پہ، اور زبردستی اس حکومت کو، ان کے اتحادیوں کو، ان کے ناراض اراکین کو زبردستی باندھا گیا ہے۔ جب یہ زبردستی آپس میں نہیں باندھے ہوں گے تو پھر یہ نالائق ناجائز نظام ہی نہیں ہوگا اور ہمارا احتجاج کامیاب ہوگا۔ میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتی ہوں، آپ نے جو فارمولا، ایک سیکنڈ بھائی ادھر دیکھیں، آپ نے جو فارمولا کہا ہے وہ منتخب حکومتوں پہ اپلائی ہوتا ہے، چنتخب حکومتوں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے، اب بتائیں کہ اس جو الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ کا، اس میں انگلی کامیاب کروائے گی یا جو ہے وہ کامیاب کرائے گی؟ ان شاء اللہ تعالیٰ عوام کی طاقت اس میں کامیاب کرائے گی ان شاء اللہ۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا خورشید شاہ صاحب اب تک جیل میں ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا جیل میں ہے، دونوں کا ہم مذمت کرتے ہیں اور ہر جلسہ میں ہر موقع پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے قائد اختلاف آج کا اور ماضی کا ان کو رہا کرو۔ ساتھ ساتھ ہم حمزہ شہباز شریف صاحب کا کل کا اچھا خبر ملا کہ بیل حاصل کیا ہے، اور ہم حمزہ شہباز شریف صاحب کے ریلیز پہ، بیل پہ ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جو پولیٹیشن ہے، جو رہنما ہے، اس قسم کے ہتھ کنڈے کے بجائے ہم سے لیول پلینگ فیلڈ کا مقابلہ کرے، اس قسم کا غیر جمہوری ہتھ کنڈا نہ استعمال کر کے ہمارا مقابلہ کرے تاکہ ہم آپ کو اپنے اصل اوقات دکھا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ کائنات کا سب سے بڑا چینل بات۔